कन्नौज हसेरन क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधानों की बैठक हुई संपन्न। विकासखंड हसेरन स्थित सभागार में ब्लॉक प्रमुख हसेरन उमाशंकर बेरिया की अध्यक्षता में बैठक हुई संपन्न, जिसका एजेंडा समस्त विभागों के अधिकारियों को पहले ही दिया जा चुका था। इस बैठक में विकास कार्यों पर चर्चा की गई, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 405 आवास विकासखंड की समस्त पंचायतों को दिए जा चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री आवास योजना पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के बारे में शिषपाल सिंह ने बताया कि विकास खंड में 50 सामूहिक विवाह का लक्ष्य मिला था, जिसमें 44 शादियां संपन्न हो चुकी हैं। इसका की बैठक की जा रही है, ये क्षेत्र पंचायत की जो हमारी कार्य योजना बननी है उसकी आज अहम बैठक है, और पीछे हमारे अधिकार सीज रहे उन्हें माननीय हाई कोर्ट ने बहाल किया है, उसी के अनुपालन में ये बैठक हो रही है। और क्षेत्र पंचायत सदस्यों को जो परिस्थितियां हैं उनसे अवगत भी कराया जा रहा है कि हालात किस तरह हैं। भाई हमारे सामने सर, किन विभागों के अधिकारी अनुपस्थित हैं जिनको एजेंडा मिला था? एजेंडा लगभग जो भी एजेंडा में 26 के विभाग 30 विभाग होते हैं, 31 विभागों में 21 विभागों में इसमें बाल विकास विभाग, सिंचाई विभाग, पशुपालन विभाग, विद्युत विभाग और सबसे अहम पूर्त विभाग और शिक्षा विभाग। अफसोस की बात यह है कि शिक्षा विभाग के खंड शिक्षा अधिकारी का कार्यालय विकास खंड अधिकारी के कार्यालय के ही पीछे है, पर उन्होंने इसमें प्रतिभाग ना करके गलत किया है। सदन इसकी घोर भर्त्सना करता है और उनकी इस बात के लिए उनको पत्र भी सदन की ओर से लिखा जाएगा। सहकारिता विभाग से भी किसी ने प्रतिभाग नहीं किया है, और एक बात, स्वास्थ्य विभाग भी हमारे विकास खंड परिषद से ही जुड़ा हुआ है, उस विभाग के भी अधिकारियों ने आने की जहमत नहीं उठानी चाहिए। 60